न्यू रूम विद न्यू पर्दे कर लिए चेक। हमारे हस्बैंड कैमरे चेक कर रहे हैं, यू नो आजकल सिस्टम भी ऐसा। अपने रूम के बाहर वाला मौसम दिखाऊं? रूम ध्यान से देख लो, वॉल पे पेंटिंग हुई पड़ी है, अलमारी है, ये कर लिए, उसमें ब्लैंकेट चढ़ने पड़ा होंगे, पिल्लो एक्स्ट्रा पिल्लो और ब्लैंकेट पड़ा होता है। ये बेड की पीछे वाली स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, मिरर। अभी मैंने ये सूट पहना हुआ है। मौसम देखा बाहर, हाँ ठंडा ठंडा, ओ माय गॉड, धर्मशाला की ब्यूटी, वाओ। ये रूम्स है, ये मैं नंगे पैर घूम रही हूँ पता। ये दूर से, ये पास से, ये और पास से, वाओ। पहाड़ों पे धुंध देखी, गॉड। सुंदर है ना, हवाएं भी चल रही है। आज हम घर वालों को ना सरप्राइज देने वाले हैं। एक्चुअली हम लोगों ने बोला था हम संडे को वापस आएंगे, लेकिन हम आज ही जा रहे हैं। पहले हम लोग बगलामुखी जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे मंदिर मंदिर है, वहाँ पे होकर आएंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। उसके बाद एक फ्रेंड के घर से होकर आना है हम लोगों ने, उसके बाद जाएंगे घर पे, ठीक है। क्या किया धर्मशाला, टोपी है हिमाचल की शान है, टोपी मैं एक टोपी लान लगी लेनी तुसे मैडम, तुसे क्यों नहीं ली लेने आ लगती है ते तब देखी यार रोड देखो रोड एयरपोर्ट जा रही है गुगल होटल सेंटर पॉइंट आया ट्रेंड्स सर हूँ इन्नी भुख लगी इस वे इन्नी जबरदस्त। ओके ये रास्ते में है एक फूड स्टॉल, मैं दिखा देती हूँ। और रास्ते में हम लोग खाने के लिए उतरे हैं, हस्बैंड मेरे सैंडविच टेस्टी है, मैं कदम भी मोरे वाला को साफ करना मेरे जाने करियो ले ओ गया मोरे व्हाट इज दैट मोरे नहीं वो क्या था सुनाओ मुझे भी नहीं सुनाओ ना वो सुना के मैं फंस गया ना सच्चे लला लला इधर बस निकले यहाँ नहीं क्यों नहीं मिली क्या है ये सैफरन फूड कोर्ट वी सर्व द बेस्ट फूड
मल्टी कुजीन शेफ अपरन फूड कॉर्नर। कॉफी अच्छी है, हम लोगों ने कितनी बार पी यहाँ पर कॉफी ना। और ये देखो पहलवान की रस्क ब्रेड केक खाते हुए, रस खाते हुए। यहाँ पे मैं साइलेंट हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वॉइस डाली है इसमें। एंड ये एक्चुअली मैं फ़ोटोज़ ले रही थी फोटो लेते लेते ना वीडियोज़ भी आ रही थी। एंड मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे हैं मेरे शूट करने के। और कल का जो मैंने वीडियो डाला है उनका, बेचारे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मेरे से, नाराज थे। ठीक है फिर भी चलो, ये हमारी गाड़ी एंड चले हम लोग वापस, चलो चलते हैं ठीक है ना। तो ये मैं अभी भी फोटोज ही ले रही हूँ, बेचारे मैंने बहुत इरीटेट किया इनको। चंडीगढ़ कांगड़ा मैडम देखिए ना, सीधा सीधा ही है। यार मैं कितने वीडियो रिकॉर्ड, मैं गाना रिकॉर्ड करना थोड़ा रहा। टेम्पल बगला मुखी चीकड़ मिट्टी बारिश मिट्टी 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 ओनली मिट्टी एंड मिट्टी एंड मिट्टी सिर्फ मिट्टी मिट्टी। हम वॉशरूम जा रहे हैं पहले हैं। बगला मुखी प्राचीन सिद्धपीठ माता श्री बगला मुखी धाम बाणखंडी कांगड़ा, बनखंडी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, गेट नंबर 4। अच्छा आगे पैदल जाना पड़ता है। पहाड़ी अच्छा पहाड़ी है आगे। चुन्नी बस्तर कुछ दो डब्बे हमारे पास बंदे ने ले लिया। मैंने दो ले लिए जी, एक मैंने तीन बस्तर है, माता जी का है, शिव जी का, गणेश जी का। सौ रुपए के ये 200 पूजा हो जाती है। कितने की है? 20 रुपए का ये 10 का। ये दे लो। कितने की ले लो? के अंदर पुजारी बैठे होगा ना सर, उनके पास देना है पूजा करके आपको वापस कर देंगे। रश होगा? नहीं सर रश नहीं होगा, बारिश के कारण रश है। लो जी शॉप नंबर 2। यहाँ पे जूते रखते हैं। आओ नंगे पाँव पत्थर।
किसी भी प्रकार की पूजा पाठ। ओह माय, स्लिप भी कर सकते हैं जी, पता है वाला नहीं है, अंदर है। हाँ अंदर, अंदर है मतलब अंदर है, यही यही मंदिर है, यही टेंपल है। बड़ा क्या फोन छोड़ो, ये पकड़ो मेरे सामान चाहना। दादी बोल रही है ना, आ रहा है। पूजा कर लेते हैं पहले। जय बगला मुखी माता रानी जी की जय। फिर पैसे लेके आप करो। फोन बंद कर लीजिए जी। फोन कहाँ है आपका? फोन कहाँ है आपका? आओ चप्पल वहाँ खोली है, चप्पल वहाँ खोली है। सुंदर। अरे दीदी को फोन लगाओ, दीदी को बगला मुखी जी के बाहर से दर्शन करा दो। बोलो उन्होंने नहीं, ऐसे करा दो ना, क्या चाहता है जान देना है घर ला लो। घर जान तो लगे हैं, टाइम किन्ना होया? 2 बजे ने, मैं कहा कि टाइम से निकल गया, टाइम से पहुंच जंदे। अरे ठीक है, ले दे फोटो खिंचा। यार मैं 2 दिन पहले डाली ना, तो 2 दिन पड़ी ऊपर मेरी शक्ल सत्ते जा। इधर वो थोपड़ा बिगड़ गया, फिर डाल सच। लंगर सेवा काउंटर
बस भगवान सारे कम ऐसा निकने करिए आए कड़क दर्शन होए अपना किता चल दे वैष्णो माता भी आना मेरे को क्यों प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम बस इक्को है फोन इधर बैटरी डाउन हो गया बस इक्को दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं बोलना इतनी एप्पल का फोन ले देना नहीं और क्या तो देना तक कैसे पूरी थल्ले अल्लाह मारे उल्टी सीधी मेरे कहने नहीं देना एप्पल का फोन नहीं ले देना तो मुझे वापस पार्किंग पीछे रखने हैं रख लिया कंफर्टेबल ही बहुत है हम लोग जा रहे हैं बसोली अब लंबा रास्ता ये सब रिकॉर्ड आप कर चुके हैं तो अब हम लोग नहीं करेंगे हम लोग सफर का और हमें किस मोड़ पे ले ये हम लोग ना बगलामुखी टेम्पल के आगे जब हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं ना मेन रोड पे वहाँ का नज़ारा है वहाँ पे ना फूड ट्रक्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके थे तो दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए रुके थे इस पॉइंट पे सामने देखो फूड ट्रक्स हैं और यहाँ पे बगलामुखी है चेयर्स वगैरह लगी हुई है और ऊपर बड़ा सा ना पत्थर का पहाड़ है छोटा सा उसके ऊपर चढ़ के हम लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवाई बड़ी अच्छी लग रही थी बहुत बहुत प्यारी सीनरी थी सामने मतलब एक सिनेमैटिक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा व्यू है तो ये सैंडविच लेने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे फ़ोटो खींच रही हूँ फिर से अब क्या करें वेले बैठ के फ़ोटो खींचने का ही काम है ना घूमने वाला ट्रक स्टॉल लेके कॉट सूट पहन के और पता है मैंने कपड़े और भी लिए थे लेकिन बस पहनने का मौका ही नहीं मिला बस वापस आ गए हम लोग उसके बाद हम लोगों ने जाना था सॉरी आना बाहर आना ये चल रहा मैं सेंटर रहने थे जी ना वो नहीं रहना भी तो बोल रहे ना लेकर कुछ होना 24 घंटे फोन 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 और फोन छुट्टी उड़ा जाना कुते तो देखो यार क्या है कोल्ड कॉफी बनाना शेक मुझे बनाना शेक चाहिए मैं वो पीना भैया दो बनाना शेक करो बाहों पे बाहों पे हाय हाय पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए ये दिखने ना मैं कुछ वाला नहीं बस मत को देखते मेरे को मैं अगली बारी तू आई मेरे कहने अगली बारी DSLR फोटो खींचे मैं गुस्सा नहीं चला मैं पहले सुना दी बेटी हो थोड़ी देर बाद से हूं खींच फोटो खींच फोटो
लवली ब्यूटीफुल। एक उधर लॉन्ग ड्राइव पर निकले नहीं है लैला मजनू प्यार इश्क और मोहब्बत जो भी इनका नाम है पहले हम सो जाते हैं के गंडून गंडून के नाम पहचान का होता है ये नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का रेट से क्या जावे नंबर 1 का तुर्तिया फेम अजकल आउंदा है सितारा विच ने मजकल तर करके गाने सा के आ बचे अभी हम जा रहे हैं शिमला शिमला आओ ओ मामू कोई नहीं शिगवा आज तेरा मुंह बड़ा चमक मारा ना था तुम मैं नहीं लगा दी मैं तो बस भी राउंड कराने थी मैं लगा नहीं है थी मैं कोई मामू कोई नहीं हाँ जी हाँ जी अपा चले हैं शिमले अपा चले हैं शिमले नू अपा चले शिमले नू हाँ खाते पैसे पैड़ 25,000 रुपया और के ठीक है हाँ क्या खाई हाँ ओ ना वहाँ चले शिमला शिमला तू आ कोई 150 ये क्या बीच में बैठा हुआ है ये देखना बेबी बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं बसोली रास्ते में उसकी फ्रेंड के घर पे। जैसे कि मैंने बताया था मैं फ्रेंड के घर पे जाएंगे लास्ट में, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर पे वापस और घर पे वापसी। उफ नज़ारे देखे इतने सुंदर है रास्ते में, लेकिन उतना ही ज़्यादा ना मुश्किल था ड्राइव करना। इन्होंने किस तरह से ड्राइव किया मेरे को पता है, एंड पता है कुछ जगहों पर ना इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग हुई, वहाँ पर रास्ता इतना ख़तरनाक था इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, पता है मतलब कुछ नहीं बताया कि एक दो बारी ना मतलब सकरा बिल्कुल छोटा सा रास्ता था और ये देखो साइड से टूटे भी हुए थे, पंजाब और भी जगह थी जहाँ पे ना साइड पे टूटे हुए रास्ते थे,
वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैंने गूगल मैप खोला हुआ था, हम लोग वहाँ वाले रास्ते से जा रहे थे और ये जैसे पुल आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बड़ा मुश्किल मुश्किल रास्ता जो है वो गूगल मैप ने हमें दे दिया था, तो शॉर्टकट लेकिन फिर भी। तो ये पहुँच के बसोली, बसोली ये अटल पुल है, अटल सेतु बोलते हैं। यहाँ पे खड़े होके मेरे को फ़ोटो लेनी थी बट चलो बारिश बहुत थी तो इसलिए हम लोग निकले नहीं, वरना ये पुल बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर है और नीचे देखिए सीनरी कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे स्पेशली मिनी गोवा कह के ना बसोली, यहाँ पे नीचे ना जगह है, मतलब जहाँ पे ये जो नदी दिख रही है ना नीचे, वहाँ पे मिनी गोवा करके फ़ोटोज़ बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं, पिक्स भी आती हैं और यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह है, ये पिकनिक बनाने के लिए अच्छी जगह। चलो तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो घूमेंगे, यहाँ पे भी घूमेंगे है ना, बट ये पुल के दर्शन आपको करा दिए, प्यारा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ना, जहाँ जहाँ हम घूमे थे वहाँ वहाँ मैं सब फर्स्ट टाइम ही गई थी इनके साथ। तो हम यहाँ पे थोड़े से साइलेंट थे, थोड़ा सा कुछ था साइलेंट साइलेंट, इसलिए हम लोग साइलेंट साइलेंट है, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा वॉइस दे रही हूँ, मैंने आपको साइलेंट में आपको मैं एक्स्ट्रा वॉइस दे सकती हूँ। ब्यूटीफुल ना, और बारिश में पुल के मज़े ही कुछ और है, सीनरी वॉज ऑसम ऑसम ऑसम, अगर सामने से देख के आपको बहुत सुंदर लगती है वाली सीनरी, इतना प्यारा पुल, तो पूरे जितना भी लेंथ है ना धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्राइव करके आपको ना पूरी इसकी लुत्फ दे रही हूँ कि कितना टाइम लगेगा आपको स्लो राइड करके इसको पार करने में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ना फ्रेंड का वेट किया, तो फ्रेंड का भाई आ गया था लेने के लिए, तो ये है निहारिका की छत का व्यू। वो कह रही थी मेरा फेस थोड़ा सूखा सूखा आ रहा है इसलिए मुझे मत दिखाओ, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया उसको, छोटा सा फेस कर दिया उसकी, तो क्योंकि उसका मन नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये उसकी छत का व्यू है, देखो कितना सुंदर है, पूरा का पूरा जो नदी है ना वो दिख रही है ना, कितनी सुंदर है। और अटल सेतु एक्चुअली ना पेड़ के पीछे छुप गया हुआ है, उसकी घर से दिखता है। और इसकी शादी है मैडम जी की, उसकी शादी के लिए थे और चक्कर मारने आए थे यहाँ पे हिमाचल, यहाँ के राजा ने बनाया था। सही है, फिर छत का व्यू मस्त है यार, मस्त है ना, ले लो अपने उसमें डालना। हाँ मैं डाल रही हूँ, वो वहाँ पे था, कहाँ पे, एंड नहीं एंड में, एंड कौन सा वाला, मुझे वो टंकी दिख रही है वो छोटी वाली, हाँ हाँ वो मेरा स्कूल वही है, बिल्डिंग दिख रही है वो हॉस्टल है। अच्छा अच्छा, उसके नीचे बिल्डिंग दिख रही है, दिख रही है वाइट वाइट सी, हाँ मैं दिखाती हूँ ये वाली है ना, ना ना ये टैंक है इसके साथ, ये वाली, ये टैंक इसके साथ वाली, टैंक के साथ छोटा टैंक है, वाइट वाइट नहीं दिख रही, दिख रही है ये वाली है ना, ये वाली, ये अच्छा ये वाली, ये वाली नहीं, थोड़ी ऊपर करो कैमरा ऊपर करो, ये अब ऊपर करो, ये ये वाली, ये वाली, हाँ हाँ हाँ, अच्छा पीछे वाला टैंक, पीछे वाला टैंक वाला बोल दिया, सही है। मैं आपको पूरा सोली दिखा दूं, वो पुल मैं तो अटल के अटल केतु अटल सेतु 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 है ना, हियर वी गो अटल सेतु, यहाँ पे अटल सेतु तेरा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, तो पेड़ों से ढक गया हुआ है नी, अभी उनके घर जाओगे ना पूरा दिखेगा, किनके किनके, उनके घर, सही है, सुंदर है। फाइनली तेरे बसोली वाले घर पहुंच गई मैं, ये वाला रूम हमने अभी बनाया, अभी अपने हमने वाला छोड़ दो, निहारिका की शादी हमारी बाड़ी है ये वाली। हम लोग जा रहे हैं वापस सो दैट कि हम लोग सरप्राइज दे सकें घर पे, और रात का टाइम बारिश बहुत सारी हो रही है, और पता है कौन से रास्ते में पहुँचे हुए हैं, शायद ये वीडियो पे पता नहीं पीछे 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 गई, ये जो मैं रात की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना ये पता मैं बिजली दिखाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे बिजली चमक रही है ये देखो, इतनी बिजली चमक रही थी और इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी मुश्किल से रात को ड्राइव किया, लेकिन नहीं जी हमारे हस्बैंड चाहते थे कि मैं वालों को सरप्राइज देना था, एंड दैट वाज बी वॉच, ये जो रात को जर्नी की ना हम लोगों ने रात को ड्राइव किया ना, ये वॉच था, सच में वॉच था, पता क्यों, रात को ड्राइव करके घर जाके हमें बहुत अच्छा सीन देखने को मिला, आपको दिखाती हूं आगे जाके, अभी देखने कैसे बिजली चमक रही है, दैट वाज वेरी टफ। और आपको अगर अच्छा लग रहा है ना ब्लॉग्स वगैरह, तो ये वैसे मेरे डे 3 की है, हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड ये देखो बड़े पापा और बड़ी मम्मी का ना वो था,
उनकी एनिवर्सरी थी, हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए एंड थोड़ा सा रिकॉर्ड भी हो गया। पूरी रात में इकट्ठी हुई थी हमारे बड़े पापा, फैमिली, दो भैया और हमारी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरी सास ससुर, मम्मी पापा और मैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होके सब आ गए एंड ये वर वेरी हैप्पी, मतलब इतने खुश थे ना सारे के सारे हमारे आने से, तो सरप्राइज वर्थ हो गया। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।